बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और पूरे शो का कॉन्सेप्ट अच्छा है, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी एंड जैसा लग सोचा था कि आके हम लोग यहाँ पे एक्टिंग करनी पड़ेगी खुश होने की, वैसा नहीं हुआ, हम एक्चुअली सच में बहुत खुश हुए। बहुत ही मज़ेदार और जैसे सर ने बोला बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कभी कभार हो जाता है थोड़ा बोरियत, बट ये देखकर कि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वो इतने बढ़िया एक्टर्स हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे स्केच उन्होंने लिखे हुए हैं, बहुत ही फनी, मतलब मैं तो हंस हंस के पागल हो रही थी। बहुत ही मज़ा आया। एज एन एक्टर मतलब कितना तुम इंस्पायर हो जाते हो उन बच्चों को देख के, कि कितनी आसानी से एफर्टलेसली वो कर देते हैं, इतनी मैच्योरिटी के साथ, इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी के साथ वो परफॉर्म करते हैं, मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट टुडे फ्रॉम देम, सो इट वाज टू मच फन। जब मैं इनफैक्ट मैं बॉम्बे आई थी DID के लिए, तो मेरा जर्नी टू बी एन एक्टर आई थिंक DID से ही स्टार्ट हुआ। और मैंने एक बहुत ही मेजर चीज़ अपनी ऑडिशन से सीखी थी, वो एक थी कि अपने ऊपर भरोसा ना छोड़ूँ, मतलब मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक गई थी अपने ऊपर भरोसा और अपने क्राफ्ट पर भरोसा करते हुए, और जो वो मैंने सीख अपना दंगल के ऑडिशन में यूज़ करा, और चाहे कुछ भी हो पर कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना, तो ये चीज़ मैंने सीखी अपने DID एक्सपीरियंस से। ओके थैंक यू। एक दोनों का साथ में कर लीजिए।